थैली में है उसको क्या कहा जाता है? पॉलन सेक्स। ठीक है, पॉलन सेक्स के अंदर पॉलन ग्रेन्स है, और पॉलन ग्रेन्स मेल सेक्स सेल्स जिनको मेल गैमेट्स भी कहा जाता है। ठीक, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके बाद हम कौन सा पार्ट देखते हैं? फोर्थ पार्ट, गाइनोशियम। गाइनोशियम इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कंपोज होता है कार्पल्स पर। ठीक है, कार्पल्स का बना हुआ होता है। कार्पल्स के मजीद तीन पार्ट हैं। फर्स्ट वन इज स्टिग्मा, फिर स्टाइल और ओवरी। ठीक, यहाँ पर भी देख लेते हैं पहले स्टिग्मा। ये देखिए, ये पूरा जो है स्ट्रक्चर है किसका है? कार्पल का है। कार्पल का जो अपर पार्ट है, टॉप वाला हिस्सा, ऊपर का हिस्सा, ये स्टिग्मा है। स्टिग्मा से ही निकलते हुए इलॉन्गेटेड ट्यूब, एक ट्यूब जा रही है जिसको हम क्या कहते हैं? स्टाइल। और स्टाइल के बाद ये स्वेलन पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं? ओवरी। ओवरी के अंदर जो है एक्सेल या ओव्यूल्स मौजूद होते हैं। अब स्टिग्मा का क्या फंक्शन है यहाँ देख लेते हैं। स्टिग्मा क्या है? स्टिकी है। ठीक है, स्टिकी चिपकने वाला या चिपचिपाहट है इसके अंदर। जब पॉलन ग्रेन आता है और यहाँ पर फेल डाउन होता है पॉलन ग्रेन, तो अटैच हो जाता है, यहाँ से गिरता नहीं है बल्कि यहाँ पर स्टिक हो जाता है। स्टाइल क्या है? थिन स्टॉक है, पतली सी डंडी है। ठीक है, और इसके बाद ओवरी क्या है? बेसल पार्ट है, हैविंग ओव्यूल्स। यहाँ पर देख लीजिए, ये फूला हुआ हिस्सा है, स्वेलन पार्ट है, उसमें क्या मौजूद है? ओव्यूल्स, जिनको फीमेल सेक्स सेल्स भी कहते हैं या एग सेल्स भी कहते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं नेक्ट्रीज। नेक्ट्रीज क्या है? सबसे पहले तो नेक्ट्रीज मौजूद कहाँ होती है? प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द कार्पल एंड प्रोड्यूस स्वीट जूस कॉल नेक्टर विच अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। नेक्ट्रीज वो ग्लैंड्स होते हैं जो बिल्कुल बेस पर मौजूद होते हैं। किसकी बेस पर मौजूद होते हैं? ओवरी की बेस पर मौजूद होते हैं ये। ठीक, और ये ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्वीट जूस, मीठा जूस प्रोड्यूस करते हैं। स्वीट होता है और अट्रैक्ट किसको करता है? इंसेक्ट्स को। क्यों? इंसेक्ट्स आते हैं और इसके जूस को क्या करते हैं? सक करते हैं। और ये उनका अमल किस पे हेल्पफुल होता है? पॉलिनेशन के प्रोसेस में उनका इस तरह से आना, अट्रैक्ट होना और जूस को सक करना कौन से अदर प्रोसेस में हेल्पफुल होता है? पॉलिनेशन के प्रोसेस पे। ठीक है, होमवर्क देख लीजिए, आपके पास होमवर्क क्या है? होमवर्क में आपको क्या करना है? लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 1E, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट जो है यूनिट नंबर 1 का, वो आपको करना है। नंबर 4 पे आपको इसका आंसर मिलेगा। थ्री पार्ट्स ऑफ फ्लावर में आपको मेल एंड रिप्रोडक्टिव, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर की एक्सप्लेनेशन पैराग्राफ नंबर 2 पे मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर एंड्रोशियम आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ, हेडिंग डालेंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, साइड हेडिंग डलेगी द एंड्रोशियम की, एक्सप्लेनेशन द एंड्रोशियम से स्टार्ट होगी और कहाँ ख़त्म होगी? शाबाश, द पॉलन सेक्स पर। उसके बाद आप किसकी हेडिंग डालेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फिर साइड हेडिंग डलेगी द गाइनोशियम की, एक्सप्लेनेशन द गाइनोशियम से स्टार्ट होगी और ख़त्म कहाँ पर होगी? ओके, फॉर्म इन द ओवरी। ठीक है, ये आपका आंसर है, इसको याद कीजिएगा और लिख लीजिएगा। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।